दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है दो हेडफोन्स का कंपैरिजन वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोट के 450 और जैबरोनिक्स की तरफ से आने वाले जैब ड्यूक मॉडल की। दोनों ही हेडफोन्स 1500 रुपये की रेंज के अंदर आते हैं और दोनों ही हेडफोन्स काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। काफ़ी लोगों को जैब ड्यूक पसंद होगा तो काफ़ी लोगों को 450 पसंद होगा। मुझे पर्सनली जैब ड्यूक ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को क्या पसंद है आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो। जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करके बताते हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। हालांकि मैं उस टॉपिक पे बना चुका होता हूँ वीडियो, शायद आपने देखी नहीं होती। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो कभी भी उस वीडियो का टाइटल डाल के या जिस बारे में आपको वीडियो देखनी है उसके बाद आप या फिर आप चैनल का नाम लिख सकते हो तो वो वीडियो आपको शो कर जाएगी। तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेता हूं और उसके बाद देखते हैं कि दोनों हेडफोन्स में हमें कैसी एसेसरीज मिल जाती हैं। तो दोनों ही हेडफोन्स की अगर मैं एसेसरीज की बात करूं तो लगभग आपको एसेसरीज सेम मिल जाती है। यहां पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके की एसेसरीज आपको जैब ड्यूक के साथ देखने को मिलेंगी, जबकि अगर मैं बात करूं बोट के 450 की तो यहां पर आपको लगभग सेम एसेसरीज आपको देखने को मिलेगी। 1500 रुपये की रेंज के अंदर आपको लगभग ऐसी ही एसेसरीज देखने को मिलती हैं ज़्यादातर हेडफोन्स के अंदर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों ही हेडफोन्स की बिल्ड क्वालिटी की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जैब ड्यूक की। जैब ड्यूक का जो फ्रेम है वो आप देखेंगे कि मेटेलिक आता है और जो पूरा स्ट्रक्चर या फिर जो ईयर कप्स हैं उसके वो आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिक बिल्ड के साथ। जबकि अगर मैं बोट की बात करूँ, बोट के 450 की बात करूँ, तो वहाँ पर भी आपको जो फिनिश है वो प्लास्टिक ही मिलता है, लेकिन जो कोटिंग हुई है उसके ऊपर वो थोड़ा सा अच्छी फिनिश आपको प्रीमियम फिनिश के साथ मिल जाता है। हालांकि अगर मैं बात करूं दोनों ही हेडफोन्स इतने ड्यूरेबल हैं कि उनको आप अगर नॉर्मली यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा आपका चल जाएंगे, इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं। अगर आप उनको स्ट्रेच कर करके तोड़ोगे तो वो अलग है, डिफरेंट चीज़ है और वहाँ पर मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता उन दोनों ही हेडफोन्स के बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोनों ही हेडफोन्स के ईयर कप्स कैसे हैं, तो यहाँ पर बोट के जो ईयर कप्स हैं वो मिलते हैं आपको राउंड शेप में और वो ऑन द ईयर हेडफोन है जो आपके कानों के ऊपर आएगा। जबकि अगर मैं बात करूं जैब ड्यूक की तो वहां पर आपको जो ईयर कप्स मिलते हैं वो ओवल शेप में मिलते हैं और आप जो इसके ईयर कप्स हैं वो आपके कानों के ऊपर आएंगे, जिसकी वजह से जो बाहर की साउंड है या फिर जो आपका कम्फर्ट है वो बढ़ जाता है और आपको इतना पेन नहीं होता। वहीं एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा, दोनों ही हेडफोन्स के अंदर जो कंट्रोल्स मिलते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। जैब ड्यूक के अंदर जो कंट्रोल्स हैं मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि उनकी जो कंट्रोल्स हैं बहुत पतले हैं और आपको जब प्रेस करते हो तो वहाँ पर कोई मार्किंग नहीं है कि इस बटन से ये होगा। आपको एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है उन बटन्स की वजह से कि आपको कौन सा प्रेस करके क्या काम करेगा। वहीं जो उसके बटन है उसके अंदर क्लिकी साउंड भी आता है, जबकि अगर मैं बोट के 450 की बात करूँ तो वहाँ पर जो बटन्स हैं वो काफ़ी सेपरेट और बड़े बड़े दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आप हर बटन से प्ले पॉज नेक्स्ट आपको पता होता है कि किस बटन से क्या यूज़ करना है। दोनों ही हेडफोन्स की अगर मैं नॉइस कैंसलेशन की बात करूँ तो यहाँ पर किसी भी तरह का नॉइस कैंसलेशन या फिर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ये बजट हेडफोन है और यहाँ पर आपको जैब ड्यूक के अंदर थोड़ी सी आइसोलेशन जरूर ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि वो ओवर द ईयर हेडफोन है, जबकि बोट का 450 एक ऑन द ईयर हेडफोन है। तो वहाँ पर आपको बाहर की साउंड जरूर सुनाई देगी बोट के 450 में, जबकि जैब ड्यूक के अंदर आपको ये वाली जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी कम आपको लगेगी। तो दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं इन दोनों ही हेडफोन्स के ब्लूटूथ वर्जन की। तो यहाँ पर आपको बोट के 450 के अंदर आपको 4.2 का सपोर्ट मिल जाएगा, तो थोड़ा सा जो पुराना है। जबकि अगर मैं जैब ड्यूक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जैब ड्यूक के अंदर आपको RGB लाइट भी मिल जाती है, जबकि बोट के 450 में ऐसा कोई फीचर आपको देखने को नहीं मिलता। उस RGB लाइट को आप दोनों बटन को क्लिक करके बंद भी कर सकते हो, ये एक ऑप्शन और भी मिल जाता है आपको। अब बात करते हैं दोनों ही हेडफोन्स के कंफर्ट लेवल की। तो यहाँ पर जो जैब ड्यूक है वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है बोट के 450 से। बोट के जो 450 है वो भी कम कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो ऑन द ईयर हेडफोन है तो वहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट की आशा रखना या फिर उम्मीद रखना थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। जबकि अगर मैं जैब ड्यूक की बात करूँ तो वहाँ पर आपको जो कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल मिलता है। आप लगभग घंटों से यूज़ कर सकते हो, आपके जो कान है सर है इनमें किसी भी तरह का जो पेन है वो नहीं मिलता। जैब ड्यूक थोड़े से ढीले ज़रूर आते हैं, लेकिन आप उनको थोड़ा सा इस तरीके से टाइट कर सकते हो, आप इसको यूज़ करोगे तो टाइट हो जाते हैं वो वाले हेडफोन। अब बात करते हैं दोनों ही हेडफोन्स के बैटरी बैकअप की। काफ़ी लोगों को बैटरी बैकअप वाले जो हेडफोन्स हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं। तो यहाँ पर बोट का जो 450 है उसके अंदर आपको 8 से 10 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है 10 घंटे कब चलेगा, जब आप एक तह सीमा पर या फिर एक मॉडरेट साउंड पर जब उसको यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको उतना बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा।
जबकि अगर मैं ज़ेप्ड्यू की बात करूँ तो लगभग वहाँ पर 30 घंटे का जो बैटरी बैकअप है काफ़ी होते हैं, 8 घंटे और 30 घंटे, और 30 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो मिल जाता है। अगर आप RGB लाइट ज़्यादा यूज़ करते हो सकता है वो 30 घंटे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिले। अब बात करते हैं दोनों ही हेडफोन्स के ड्राइवर साइज की, तो यहाँ पर आपको दोनों ही हेडफोन्स के अंदर 40 mm की जो ड्राइवर साइज है वो देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब इसके बाद बात करते हैं कि दोनों हेडफोन्स एक्चुअली में कैसा साउंड परफॉर्म करते हैं, इनकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है, ये सारी बात अब कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं माइक्रोफोन की क्वालिटी डाल देता हूँ और कैसा साउंड ये एक्चुअली में परफॉर्म करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। उससे पहले आप सुन लो माइक्रोफोन के थ्रू इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों काफ़ी लोग मुझे पूछेंगे कि इसकी साउंड लीकेज कितनी है, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ कि इसकी साउंड लीकेज कितनी है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसकी जो साउंड क्वालिटी कितनी लीक होती है, वो अभी आप सुन लीजिएगा। तो दोस्तों अभी जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं बोट के 450 के माइक्रोफोन से, और ये कॉल के दौरान की हुई एक रिकॉर्डिंग है जो यहाँ पर मैं इनपुट कर दे रहा हूँ। तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा इस हेडफोन की माइक क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों अभी जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हो वो सुन रहे हो जेब्रोनिक्स के ज़ेप्ड्यू मॉडल से, और इसकी जो वॉइस क्वालिटी है ये कॉल के दौरान रिकॉर्ड की गई है और यहाँ पर मैं इनपुट कर देता हूँ। उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि जो इसकी साउंड क्वालिटी है उनकी माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम दोनों की एक्चुअली में जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बोट के 450 की। बोट के 450 की जो साउंड है अगर मैं प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बात करूँ तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत जो डिस्टर्बेंस है वो तब लगती है जब आप 90% पे या 100% पे वॉल्यूम कर लेते हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलती है। अगर मैं डिटेल में बेस वगैरह की बात करूँ तो बेस काफ़ी अच्छा था इस हेडफोन के अंदर, आपको मिड्स क्लियरली सुनाई देते हैं और वोकल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जो बोट के अंदर एक प्रॉब्लम रहती है, जो हाइज है या फिर हाई फ्रिक्वेंसीज है या फिर ट्रैबल है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है किसी और हेडफोन कंपनी के मुकाबले। तो यहाँ पर आपको जो ट्रैबल है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने मिलता है, थोड़ा सा चुभन होती है अगर आप हाई वॉल्यूम पर किसी सॉन्ग को सुनते हो, तो ये आपको बोट 450 के अंदर देखने को मिलेगा। जबकि अगर मैं बात करूँ ज़ेप्ड्यू की तो वहाँ पर आपको जो वोकल्स हैं काफ़ी क्लियर मिलते हैं, बेस पंची है, यहाँ पर आपको क्लियरली एक एक डायलॉग सुनाई देता है, मिड्स आपको बहुत ही क्लियर तरीके से सुनाई देते हैं, कोई भी हाई लो वाला जो सिस्टम है वो नहीं होता कि मिड्स बहुत ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती आपको, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और 100% पर भी इसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन जैसी जो बात है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था इन दोनों हेडफोन्स का एक कंपैरिजन वीडियो, और मुझे लगता है कि इस हेडफोन कंपैरिजन में, इन दोनों ही हेडफोन्स की कंपैरिजन वीडियो में ज़ेप्ड्यू थोड़ा सा ज़्यादा निकल जाता आगे, इसके अंदर ज़्यादा फीचर मुझे देखने को मिले। बस वहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लग सकती है कि एक बोट की तरफ से आता है जबकि एक ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आता है। ज़ेब्रोनिक्स को काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं उस कंपनी को, लेकिन वो कंपनी या फिर वो हेडफोन काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट निकाल रहा है, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे ज़ेप्ड्यू। मुझे यूज़ करने से पहले भी वो प्रोडक्ट काफ़ी एवरेज लग रहा था, लेकिन यूज़ करने के बाद मुझे नेक्स्ट लेवल लगा। बाकी आपकी क्या राय है, अगर आपने दोनों ही हेडफोन्स यूज़ करें तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को जिसका नाम है डब्बा खोल।